अरिकेत, आप किस क्लास में पढ़ते हो? केजी टू। केजी टू में? आप तो बड़े खूबसूरत हो। खूबसूरत है ना आप? आपको कितना मजा आया यहाँ पर? बहुत ज्यादा। और आपको कोई तंग तो नहीं करता यहाँ पर? नहीं। ये बाकी आपके दोस्त खेलते होंगे, आपको खिलाते साथ में? हाँ। खिलाते? धीर पोटले। आप किस क्लास में पढ़ते हो? केजी वन। ये केजी टू में? आपसे सीनियर है। आपको मजा आया घूमने में यहाँ पर? इन वादियों में मजा आया आपको? तो घर में मजा आया कि यहाँ पर? दोबारा सबसे बच्चा तेज यही लग रहा है मुझे, इसी बच्चे से ज्यादा बात करते हैं आप। मुझे बताओ, इनको तंग करते हो आप? क्या इसको और उसको, इन दोनों को? हाँ। इनको तंग क्यों करते हो? अच्छा लगता है। मुझे बच्चों के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। और आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, इसका क्या राज है? पता नहीं। मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा में सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट प्यार तो दोनों बराबर करते हैं, अगर फेवरेट की बात की जाए। बच्चे मन के सच्चे, कितने सच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, और कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इस समय हम दूध बद्री मौजूद हैं कश्मीर घाटी में, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सच्ची बात है। हाँ, होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरण फले है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर में आपने क्या क्या देखा और जो यहाँ पर आपको अच्छा मिला देखने? यहाँ पे बहुत सारा नेचर है, वहाँ पे नेचर ऐसा कम देखने को मिलता है। गाड़ियाँ वहाँ पर? गाड़ी हाँ है, गाड़ियाँ ज्यादा है वहाँ। हाँ, गाड़ी यहाँ पर। आपने कहाँ कहाँ घूमा? यहाँ पे गुलमर्ग गए थे और वो गार्डन था। सेम वादियाँ, इस तरह की वादियाँ पहलगाम में भी थी, दूध पत्री में भी है, क्या डिफरेंस लगा आपको? वादियाँ तो सेम ही है। मतलब पहलगाम में ना, मतलब माउंटेन्स है, हम लोग माउंटेन के ऊपर से जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, स्टोन्स वगैरह ऐसा अच्छा लगता है। अच्छा, खाने पीने में कैसे मिला आपको? खाने पीने में ज़्यादातर तो अगर ऐसे आए तो मैगी ही मिलती है, और जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे नाश्ते में छोले भटूरे वगैरह। हाँ, मैंने कुछ और बच्चों से बात की, सबको मैगी पसंद है। आपको भी मैगी पसंद है? हाँ। यहाँ की आपने लोकल फूड खाई कोई? नहीं। मक्की की रोटी? हाँ, आज खाए थे। खाई थी, टेस्टी थी। हाँ। आपको घर में मिलती कभी? नहीं, घर में नहीं बनाते। नहीं, घर में आपको सुबह का खाना क्या होता है? ब्रेड? ब्रेड नहीं, रोटी सब्जी। बेटा आपका नाम? अरिकेत। आप किस क्लास में पढ़ते हो? केजी टू। केजी टू में? आप तो बड़े खूबसूरत हो। खूबसूरत है ना आप? आपको कितना मजा आया यहाँ पर? बहुत ज्यादा। और आपको कोई तंग तो नहीं करता यहाँ पर? नहीं। ये बाकी आपके दोस्त खेलते होंगे, आपको खिलाते साथ में? हाँ। खिलाते हैं? हाँ। ये आपका छोटा भाई है कि बड़ा? छोटा। छोटा? हाँ। छोटा कुछ दिन, बड़ा कि कुछ दिन? फ्रेंड है। फ्रेंड है आपका? हाँ। बड़ा क्यूट फ्रेंड है। आपके छोटे फ्रेंड से भी बात करते हैं। आपका नाम? धीर पोटले। आप किस क्लास में पढ़ते हो? केजी वन। ये केजी टू में? आपसे सीनियर है। आपको मजा आया घूमने में यहाँ पर? इन वादियों में मजा आया आपको? तो घर में मजा आया कि यहाँ पर? दोबारा आओगे घूमने यहाँ पर? दोबारा नहीं आओगे? बस एक बार, दोबारा क्यों नहीं आओगे? आएंगे ना, जब बड़े होगे तब आओगे, तब भी नहीं आओगे। ये बच्चे मन का सच्चा, तभी मैंने बताया बच्चे अभी इतने तेज हैं, इस बच्चे का मन नहीं है। क्या नाम था आपका? धीर पटले। दोबारा नहीं आओगे? जब बड़े होगे तब आओगे। एक और बच्चा हमारे साथ, इसके साथ बात करते हैं। बेटा आपका नाम? गुनगुन पटले। गुनगुन, सच में गुनगुन हो आप? कितना मजा आया आपको यहाँ पर? बहुत। कहाँ कहाँ घूमे आप? गुलमार गए थे गार्डन में, और भूल गए। पहलगाम। आप किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। मतलब आप इन सबसे सीनियर हो? हाँ, सीनियर हो। तो आप इनको डराते हो बीच बीच में? नहीं डराते। वो डरते ही नहीं। आपने सेल्फी वगैरह फोटो लिए, रील्स बनाई यहाँ पर? फोटो लिए। इंस्टाग्राम चलाते हो? नहीं चलाते। देखा, बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। वो और मुझे बताओ, आपने क्या खाया यहाँ पर? यहाँ पर मैगी खाई, बॉयल्ड एग्स खाए, और मक्का रोटी। आपकी भी फेवरेट यहाँ पर मैगी है? हाँ। घर में मैगी है, यही है। हाँ। सेम है। खाने में आपको टेस्टी क्या लगा कश्मीर में? मैगी। हाँ। वो तो आप घर में भी खाते हो, यहाँ पर क्या टेस्ट आपको डिफरेंस लगा?
डिफरेंस डिफरेंस कुछ भी मैगी में क्या लगेगा, घर का टेस्ट हो या घर का खाई नहीं ना बता सेम है। डिफरेंस पता क्या है, ये ग्रीन वादियाँ हैं, इसकी ठंडी हवाएं उसमें घुसती हैं, वो टेस्ट आ जाता है ना। हाँ। वहाँ पर आप इंडक्शन पे बनाते हो है ना, तो गुन गुन। एक और छोटे भाई साहब छोटे भाई साहब आप किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। यानी कि आप दो साथ में पढ़ते हो, क्लासमेट हो? हाँ? क्लासमेट हो? क्लासमेट आप? नो नो क्लासमेट नहीं हो। कभी लड़ाई होती है आपकी? लड़ाई होती है तो ये मुझे लग रहा है थोड़े परेशान। आप इस साइड आओ यार, आपसे बात करें, बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। साइड से आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सिक्स्थ। सबसे सीनियर? नहीं, मुझसे सीनियर है। पर आपकी आपने तो बताया नहीं। नहीं नहीं, पहले इसकी बार यार, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ? यहाँ पे नेचर। नेचर आपके नागपुर में क्या अच्छा है? हमारे नागपुर में देखो, आपको जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, हम भी कभी घूमने वहाँ पर आएंगे, हमें बताओ कौन सी जगह अच्छी है नागपुर में? दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि और भगवान के प्लेस। अच्छा, और गार्डन। गार्डन गार्डन कौन सा? कौन सा? मेला। अच्छा, आप दोनों सेम क्लास में पढ़ते हो? ये सीनियर है, मतलब आप सब में सीनियर हो, तो आपको डराते हैं ये बीच बीच में? अभी आप यहाँ घूमने आए हो, कोई तंग करता हो आपको बीच में? नहीं, नहीं। गाड़ी में मुझे फ्रंट सीट पर बैठना है, पीछे बैठना है? नहीं। किसी को गोदियाँ बढ़ाते हैं? नहीं। आपको सीट दी थी? सीट मिली थी आपको? हाँ। सबसे बच्चा तेज यही लग रहा है मुझे, इसी बच्चे से ज्यादा बात करते हैं आप। मुझे बताओ, इनको तंग करते हो आप? नहीं। क्या इसको और उसको, इन दोनों को? हाँ। इनको तंग क्यों करते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ बात करने में, बड़ा मजा आता है। और आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, किसका क्या राज है? पता नहीं। पता नहीं, मम्मी पापा। मम्मी पापा? अच्छा, मम्मी पापा में सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट प्यार तो दोनों बराबर करते हैं, अगर फेवरेट की बात की जाए। मम्मी। वो कैसे? मतलब मम्मी हर चीज़ में ज़्यादा केयर करती है, ज़्यादा हमारे बारे में सोचती है। अच्छा, ज़्यादा सोचते हैं तो पापा क्या करते हैं? मतलब डांटते बीच बीच में? नहीं, बीच बीच में पापा नहीं डांटते, मम्मा ज़्यादा डांटती है। वाह। और तो पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मा डांटती ज़्यादा है। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपका नाम क्या था बताया? भूल गया मैं। अरिकेत। अरिकेत, बच्चे मन के सच्चे हैं, इनके साथ गपशप लगाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों के साथ बातचीत जब कोई भी करता है तो बहुत खुशी होती है, और हमें भी बातचीत करके बहुत खुशी हुई। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो और बच्चे कश्मीर में विज़िट करेंगे या फिर जम्मू के किसी और डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करेंगे घूमने के पर्पज से? मैं बोलती हूँ आपको ज़्यादातर गुलमर्ग जाना चाहिए, गुलमर्ग में बहुत सारी बर्फ होती है, उसके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा नेचर के साथ ज़्यादा मज़ा आता है कि ये पोल्यूशन वाली ज़िंदगी में? नेचर में। नेचर में। स्कूल 8:30 से, अभी अभी बीच में 8:30 से 11:30 था, अभी अभी अगर अभी जाऊँगी स्कूल तो 8:30 से 2 बजे तक रहेगा। अभी आपकी वेकेशन चल रही है, कब तक चल रही है? अभी 23rd जून। अभी इसके बाद आपका प्लान कहाँ कहाँ घूमने का प्लान? अभी पापा तो बोल रहे थे गोवा जाना है। गोवा जाना, क्या लगता है झूठ बोला सच बोला है? झूठ। देखा बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे, सच बोला इन्होंने। तो इसके बाद छुट्टियों के बाद आप स्कूल में चले जाओ, फिर इनकी क्लास लोगे आप बारी बारी से बच्चे की, है ना? सेल्फी वगैरह ली आपने भी? सेल्फी वगैरह फोटो लिया? रील्स बनाते हो? नहीं, रील्स नहीं। फोन कम यूज करते हो आप? नहीं, सब गेम्स खेलती हूँ। कौन सी? टेम्पल रन है और टॉम एंड जेरी। उसमें शेर खान वो एक है, लोमड़ी भी, मगरमच्छ, बड़ा प्यारा है ना। तो देखा बच्चों के साथ बातचीत करके मन खुश हो गया, मुझे लगता है आपको सब देखने वालों का मन भी खुशी होगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे।